नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 99 और मैं चारू। लगातार व्हाट्सएप के मैसेजेस की वजह से हो रही हत्याएं और उत्पात के बाद में व्हाट्सएप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ही सरकार ने व्हाट्सएप और फेसबुक को फटकार लगाई थी और उन्हें बोला था कि ऐसी फेक न्यूज़ पर लगाम लगाई जाए। इसी नोटिस के तहत, इसी सिलसिले में व्हाट्सएप ने एक बड़ा कदम उठाया है। व्हाट्सएप ने अखबार में एक विज्ञापन डाला है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपको इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ने ये भी दावा किया है कि वो जल्द ही एक ऐसा फीचर लाने वाला है जिससे जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी। व्हाट्सएप ने जनता को बताया है कि वो सारे मैसेजेस जो गलत हैं, जो हिंसा उत्पन्न कर सकते हैं, उनको लगाम लगाने के लिए आपको मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने हैं। जो नया फीचर व्हाट्सएप लाने वाला है उसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सारी चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है और उसका जनहित पर क्या असर होने वाला है। आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो व्हाट्सएप ने अपने विज्ञापन में दिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कोई भी फॉरवर्ड मैसेज उनके पास आता है जो कि उनको लगता है कि हिंसात्मक हो सकता है, वो इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उनको बोला जाता है किसी फॉरवर्ड मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए तो उस पर भी वो रिपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्रुप में आप उस ग्रुप में नहीं रहना चाहते हैं और ज़बरदस्ती आपको उस ग्रुप में बार बार जोड़ा जाता है तो इसकी भी रिपोर्ट आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में जो डिजिटलाइजेशन है उस पर भी किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसका पूरा तैयारी इसकी पूरी तैयारी व्हाट्सएप ने कर ली है। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए डेली 99।